हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने खेत में। तो देखिए, हम बाहर निकल गए हैं। हमारे घर के आगे बड़ा सा कुआँ है, देख सकते हैं। इधर हमारी चचिया सास का गाय बंधी हुई है और हम चलते हैं अपने खेत में। बहुत ही सुंदर बछड़ा है, देख सकते हैं। इस रास्ते से हम जाते हैं खेत में अपने। सुबह सुबह का टाइम है तो भिंडी के खेत में हम आ गए हैं दोस्तों, और भिंडी तोड़ रहे हैं। और आज हम बनाने वाले हैं भिंडी का भुजिया। भिंडी का भुजिया दोस्तों बनाएंगे, तो इससे पहले हम पहले खेतों से भिंडी तोड़ लेते हैं। तो देखिए, जो भिंडी का खेत है हमारा, वो सिंचाई हुआ है, तो हम किनारे किनारे से ही भिंडी तोड़ रहे हैं। भिंडी बहुत ही अच्छा हरा भरा है, देख सकते हैं। और भिंडी का खेत हमारा बहुत ही अच्छा भी है, और इसमें से भिंडी रोज़ाना निकल जा रहा है और बिकता भी है। और भिंडी को खेत में अगर आप जाते हैं कभी भी, तो भिंडी के खेत में ग्लव्स पहन के तब तोड़ना पड़ता है, नहीं तो आपको खुजली होने लगेगा हाथों में। तो मैं किनारे किनारे से ही तोड़ रही हूँ। जब हमें ज़्यादा भिंडी तोड़ना होता है तो हम भी ग्लव्स पहन के उसके बाद ही तोड़ते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा भिंडी का पेड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में। हमें तोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सब्जी तो बनाना है। और देखिए किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, कोई भी फसल लगाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है किसान लोग को। तो देखिए, हम भिंडी तोड़ के आ गए हैं घर पे। नलका से पानी चला लिए हैं और डाल के पानी में और धोते हैं भिंडी को। भिंडी बिल्कुल फ्रेश है, देख ही सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा भिंडी। ऐसा कहाँ मिलेगा हमें कहीं शहर में, ये गांव में ही मिल सकता है दोस्तों। तो देखिए, भिंडी धो लिए हैं, धो धो के निकाल रहे हैं हम एक टोकरी में। सारा भिंडी बिल्कुल नरम नरम है, आपको बड़ा बड़ा दिख रहा लेकिन बिल्कुल नरम है, बिल्कुल कच्ची भिंडी है ये। तो इसका जो भुजिया बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। आप चाहें तो मसालेदार बनाएं, आप चाहें तो भुजिया बनाएं। तो देखिए, मैं भुजिया के लिए काट रही हूँ, क्योंकि आज हम नाश्ते में बनाएंगे भिंडी का भुजिया और रोटी। सभी को पसंद है हमारे घर में भिंडी का भुजिया, और लगभग हर किसी को पसंद आता है। मसाला भिंडी हो गया, भिंडी का भुजिया हो गया। तो देखिए कितना आसानी से ये कट रहा, बिल्कुल ताज़ा भिंडी है। और हमारे खेत में लगाया हुआ है भिंडी, और लोबिया भी लगाया गया है, बरबट्टी जिसको बोलते हैं, और तीन चार सब्जियां लगी हुई है। तोरी लगा हुआ है, बीट लगा हुआ है। बीट का तो सीजन अप हो गया अब, बीट बहुत ही अच्छा रेट में बिक रहा था, क्योंकि शादी पार्टी चल रहा था। तो शादी पार्टी में सलाद बनाने के लिए बीट अच्छा रेट में बिका इस साल। तो देखिए, हम भिंडी का सभी को कटिंग कर लेंगे, डंठल आगे पीछे के हटा के, और फटाफट काट लेते हैं। इधर हम आटा गूंद रहे हैं, देख सकते हैं। आटा गूंदने के लिए हम पानी लेके आए हैं नलका से, और आटा गूंद लेते हैं और फटाफट सुबह का नाश्ता बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे ससुर जी को 7:30 बजे तक नाश्ता चाहिए होता है। अगर लेट हो जाएगा तो फिर उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो बोलते हैं कि हमें नाश्ता पहले दो, बना के उसके बाद ही कोई काम होगा। तो बहुत ही हेल्थ को लेके एक्टिव रहते हैं हमारे ससुर जी, होना भी चाहिए हर किसी को। तो नाश्ता 7:30 लास्ट 8 बजे तक करते हैं। तो हमारा इधर भिंडी भी कट गया है, और बिल्कुल नरम नरम भिंडी है, देख ही सकते हैं आप। तो देखिए, आज हम चूल्हा पर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम भिंडी तोड़ने चले गए थे तो लेट हो गया है थोड़ा। तो आज हम गैस पर ही बना रहे हैं रोटी और भिंडी का भुजिया। तो देखिए, फटाफट हम रोटियाँ भी सेक ले रहे हैं, कि जब तक हमारा भिंडी का भुजिया बनेगा रोटियाँ भी सिक जाएगी, सब कोई गर्मा गर्म रोटी खा लेंगे और भिंडी का भुजिया। तो देखिए कैसे हमारा रोटी जो है फूला फूला बन रहा है, बिल्कुल तवे पे ही। आप भी इस तरीके से बनाएं रोटियां, बिल्कुल फूला फूला। तो इधर देखिए, हम सरसों का तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में, और हरा मिर्च ख़त्म हो गया था दोस्तों, तो हम लाल मिर्च डाल रहे हैं भुजिया में। अगर आपके पास हरा मिर्च हो तो हरा मिर्च डालें। तो देखिए, भिंडी का भुजिया बनाने के लिए गांव में ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि भिंडी बिल्कुल ताज़ी है और कम तेल में ही बहुत ही अच्छा भिंडी का भुजिया बन जाता है। तो आप देख ही सकते हैं भिंडी कितना सारा है,
और तेल मैं 2 चम्मच ही डाली हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कैसे भूनेगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। गांव का कोई भी सब्जी कम तेल मसाले में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। तो मैं तो बोलूँगी कि हर किसी को अपने गांव आना चाहिए जब भी टाइम मिले। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम भिंडी को भूनते रहेंगे, बार बार चलाएंगे बीच बीच में और अच्छा से भूनते रहेंगे। कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक और मिर्ची डाल दीजिए, इतना ज़बरदस्त भिंडी के भुजिया बन जाता है कि आप बार जैसे बार कि आप बनाइएगा। तो देखिए हमारा भिंडी का भुजिया बन ही गया है। तो ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, ये जो भिंडी है बिल्कुल ताज़ी भिंडी है, और हमारे घर में कुछ लोगों को तो बिल्कुल करारी भिंडी पसंद है, और हमारे ससुर जी बोलते हैं कि सारा उसका विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो कम ही भूना करो। तो उनके लिए मैं थोड़ा कम भूनती हूँ। तो देखिए मैं चारों तरफ भिंडी को फैला दी हूँ और अच्छा से हमारा भिंडी का भुजिया बन रहा है। तो भिंडी थोड़ा सा तसल्ली पूर्वक ही बनता है भुजिया, लेकिन स्वादिष्ट तो बनता ही है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो लीजिए हमारा भिंडी का भुजिया दोस्तों बन के तैयार है, और अब हम जा रहे हैं देने अपने ससुर जी का नाश्ता। और ये देखिए हमारे घर का बाहर का नज़ारा है, ये घर के बाहर हमारा बड़ा सा कुआँ है और छोटा सा एक मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारा द्वार है जिसे द्वार कहते हैं गांव में, और वहीं पे एक मंदिर है छोटा सा। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा गांव, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इधर हमारा घर है, तो देख सकते हैं गांव का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। और गांव में रहना हर किसी को पसंद तो आता ही है, लेकिन आजकल लोग शहर में सिटी में कमाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए चले जाते हैं, लेकिन गांव में जो मज़ा है दोस्तों कहीं भी नहीं है, एकदम शांति। देख सकते हैं ये जो नज़ारा है उसको महसूस कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। चिड़िया का चहकना और सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा से बिछाना तो को देख सकते हैं